भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। दोनों ही बीते कुछ साल से व्हाइट बॉल फॉर्मेट में टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा बन चुके थे। श्रेयस अय्यर तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर थे, दोनों के भीतर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट न मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह दोनों क्रिकेटर्स की नाफरमानी है जो उन्होंने नेशनल टीम के साथ खेलने पर दिखाई। ईशान किशन ने निजी कारणों से खुद को साउथ अफ्रीकी दौरे से दूर कर लिया था और हाल ही में डीवाई पाटिल टी20 टूर्नामेंट में वापसी की। दूसरी ओर अय्यर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए ने फिट घोषित किया था, लेकिन बाद के मैचों में वो भारत या मुंबई के लिए खेलते नजर नहीं आए। ऐसे में बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों ही क्रिकेटर्स को सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। मगर एक रास्ता और है जहां से दोनों ही खिलाड़ी न सिर्फ टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं जबकि बीसीसीआई का सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार चयनकर्ता निराश थे कि ईशान किशन ने खेल से दूर अपने समय का उपयोग बड़ौदा में अपने आईपीएल कप्तान हार्दिक पंड्या के साथ ट्रेनिंग के लिए किया। इसी तरह श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने के बजाय कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्री सीजन कैंप में थे। हालांकि अय्यर ने अब खुद को मुंबई के सेमीफाइनल मैच के लिए उपलब्ध करा दिया है। बीसीसीआई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चयनकर्ताओं को अय्यर और किशन की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। हालांकि अगर एनसीओ ने फिट मानता है लेकिन वे खुद को टेस्ट सीरीज के लिए अनुपलब्ध करवाते हैं तो बीसीसीआई उन्हें अनुबंध नहीं दे सकता। अगर उन्हें आईपीएल के बाद शानदार प्रदर्शन के बूते टीम में चुना जाता है तो वो प्रो राटा अनुबंध के सारे मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब आपको ये समझाते हैं कि ये प्रो राटा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। दरअसल बीसीसीआई का एक नियम है कि निश्चित समय सीमा के भीतर अगर कोई प्लेयर 3 टेस्ट 8 वनडे या 10 T20 खेल लेता है तो वो प्रो राटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं है कि अय्यर और किशन में कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई है। भारतीय टीम ने श्रेयस अय्यर को चोट से पूरी तरह उबरने का मौका देने के लिए वनडे विश्व कप से पहले आखिरी तक इंतजार किया था। दूसरी ओर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन ही ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में भारत के टेस्ट विकेट कीपर थे। हालांकि आईपीएल की तैयारियों के दौरान झारखंड के लिए खेलने पर व्यक्तिगत मामलों को प्राथमिकता देने के उनके फैसले ने चयनकर्ताओं को नाराज कर दिया। अय्यर का पत्ता उनकी फिटनेस रिपोर्ट और एनसीए के आकलन के बीच मेल ना खाने के चलते कटा। लंबी पारियों के दौरान श्रेयस अय्यर अपनी पीठ में परेशानी बताते थे लेकिन मेडिकल स्टाफ के मुताबिक उन्हें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं थी। बीसीसीआई ने तीसरे और चौथे टेस्ट से उनके बाहर होने का कोई कारण नहीं बताया। बाद में पता चला कि अय्यर को पीठ में ऐठन थी जिससे वो रणजी ट्रॉफी मैच में मुंबई के लिए नहीं खेल पाए। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए अंशुल तलमलिक रिपोर्ट।